ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप कहते हैं भगवान माफ नहीं करता, तो सब क्यों कहते हैं भगवान से माफी मांगो? जिनके प्रति आपने पाप कर्म किया है, किसी को दुख दिया है, उससे माफी मांगो। कर्मों की गति गुह्य है, परंतु है सहज, और सहज तभी होती है जब समझ में आ जाए, जब बुद्धि स्वीकार कर ले। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, माफ करना और माफी देना दोनों एक बहुत अच्छे गुण है, जिनसे दर्द बढ़ना रुक जाता है। उदाहरण के लिए, मैं किसी से मिला, उससे कुछ कहा और मैं चला गया। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि मैंने जो कहा है उसका उन्होंने कहीं उल्टा अर्थ तो नहीं निकाल लिया, उसका उन्होंने कोई उल्टा अर्थ तो नहीं निकाल लिया। मैं तुरंत फोन करता हूं या किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करता हूं, और पता चलता है कि उन्होंने उल्टा ही अर्थ निकाल के वो दुखी हो रहे थे। और जितने भी परिवार के सदस्य आ रहे थे, जिनको बताया जा रहा था कि वो आए थे और ऐसे कह के गए हैं, और सब उस आत्मा के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, कमाल है, हमें तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो ऐसे हैं, ऐसे कहते हैं। गलत बात, बहुत गलत बात है। हर एक उस जख्म को बढ़ा रहा था। मान लीजिए कि मैंने 10 मिनट बाद फोन किया और मैंने माफी मांग ली, तो उसे कितना दुख दिया? 10 मिनट। क्योंकि माफी मांगने के बाद उसका दुख न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, नहीं रहा। अब मैं उन्हें दुख देने के निमित्त बना केवल 10 मिनट के लिए, और यदि मैंने 1 घंटे के बाद माफी मांगी तो मैंने उन्हें दुख दिया 1 घंटा। मैंने 1 दिन के बाद माफी मांगी, 1 दिन का मैंने दुख दिया। ये याद रखना है कि जितना मेरे कारण उनको दुख मिला है, उतना ही दुख मुझे मिलने वाला है।
जितना जल्दी मैंने माफी मांग ली, उतना मुझे आगे दुख कम लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे द्वारा उनको दुख जितने समय के लिए मिला है, उतना समय वो दुख मैंने लेना है। ये होता है दुख देने के लिए माफी मांग लेना। हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंच रहा है, उससे माफी मांग के उसके दुख को कम करके भविष्य में मिलने वाले अपने दुख को हम कम कर सकते। जितनी देर हमारे कारण किसी को दुख मिलेगा, उतनी देर ही वो दुख हमें मिलेगा। आप दुख लेने वाले को क्या करना? माफी देनी है। वो तो सेम सिचुएशन है कि मैंने कुछ बोला और मैं चला गया। अब वो ज्ञानी तो आत्मा तुरंत, मैंने कभी उसे बोला होगा इसलिए वो बोल कर गया है, प्री माफ, कोई बात अकाउंट बराबर। अकाउंट बराबर। उसने तुरंत ही अकाउंट बराबर कर लिया, दुख नहीं लिया। क्योंकि यदि वो दुख ले, जितनी देर तक वो दुखी रहे उतनी देर तक उसने अपने वर्तमान को बर्बाद कर दिया। और वही वर्तमान अगले सेकंड भूतकाल बन गया। वर्तमान बर्बाद के साथ भूतकाल भी बर्बाद हो गया। और जितनी देर तक मैं खुद दुखी रहा, उसे माफ नहीं किया, तो उतनी देर का दुख मेरे द्वारा उसे मिलेगा जिसने दुख दिया है। मैंने दुख देने के लिए फिर भी नेगेटिविटी अपने में भरनी पड़ेगी। उसे भविष्य में दुख देना पड़ेगा। वर्तमान भी खराब, भूतकाल भी खराब और भविष्यकाल भी खराब। और माफ कर दिया तो वर्तमान मेरा बच गया, मैंने स्वयं को बचा लिया, मैंने वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म किया, भूतकाल में श्रेष्ठ कर्म किया और भविष्य में भी उसे दुख से मुक्त कर दिया। क्योंकि मैं दुखी नहीं तो मेरे द्वारा उसे भी दुख नहीं मिलेगा। ये है कर्मों की गति के हिसाब से माफी मांगने और माफी देने का प्रावधान, लाभ, इंपॉर्टेंस, महत्व।
अब भगवान माफ नहीं करता, बाकी इस धर्म को समझने के लिए हमें समझ लेना है कि भगवान ने वर्ल्ड ड्रामा में इसको रखा ही नहीं है। ये ड्रामा को एक्यूरेसी से नहीं चलने देता। ड्रामा का जो बेसिक कंसेप्ट है क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल टू द ऑपोजिट साइड होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। ये नियम नहीं लागू है। क्योंकि जिसने जो दिया है उससे वो लेना है, चाहे वो सुख है तो चाहे वो दुख है। हम चाहे भगवान से कहें कि माफ करो, बाबा सुन ही नहीं सकता। इन बातों को सुनने के लिए कान ही नहीं है उनके। ये बात बुद्धि में स्पष्ट रखना, क्योंकि जो एक्शन हुआ है उसके रिएक्शन को हमने रो स्टॉप कर दिया तो लॉ ब्रेक हो गया। लॉ ब्रेक नहीं हो सकता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न मन में उठता हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 के करीब छोटे छोटे वीडियोस डाले गए हैं, जिसमें आप अपने सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो जरूर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।